हाय दोस्तों, मैं हूं दीपेश और आप देख रहे हैं बैंगरू। फिर आ गया है एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो में बताएंगे कि आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड को कैसे लिंक करेंगे। इसके लिए दोस्तों अब 1,000 रुपये लगने लगे हैं। पहले ये बिल्कुल फ्री था, मगर अब 1,000 रुपये लग रहे हैं। दोस्तों बाद में होने वाली परेशानी से बचने के लिए अभी भी लिंक करा ले। आप भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और घर बैठे बहुत आसानी से इसे लिंक कर लीजिए। किसी तरह का आपको कोई परेशानी। सबसे पहले हम कोई भी ब्राउजर ओपन कर देते हैं। यहाँ हम क्रोम ब्राउजर को ओपन किए हैं और यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों पैन कार्ड लिंक टू आधार कार्ड। चलिए यहाँ पे लिख के सर्च कर देते हैं। यहाँ आधार ही लिखे हैं दोस्तों और सर्च कर देते हैं लिंक टू आधार यूजर मैनुअल। देखिए इनकम टैक्स का साइड है, सबसे ऊपर साइड में आ गया है। सबसे ऊपर वाला ही है दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसे ओपन करेंगे, सबसे पहला साइड है, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साइड बिल्कुल खुल गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले होम में जाते हैं दोस्तों। यहाँ होम है, सबसे पहले होम, तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ आते हैं लिंक आधार। देखिए लिंक आधार, तो यहाँ क्लिक कर देते हैं। यहाँ देखिए लिंक आधार ऑप्शन आ गया दोस्तों। यहाँ लिखने बोल रहा 3 चरण में होगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है दोस्तों, उसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कोई भी रजिस्टर करने का इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपको रजिस्टर करना है। यहाँ हम अपना पैन कार्ड आगे लिख देते हैं और उसके बाद दोस्तों नीचे में है आधार कार्ड। चलिए हम पैन कार्ड लिख दे रहे हैं और नीचे में दोस्तों आधार कार्ड है, तो आधार नंबर, आधार कार्ड में तो होगा नहीं आधार नंबर दोस्तों, तो यहाँ पे आधार नंबर अपना दे देते हैं। जिसे लिंक कराना वही आधार नंबर यहाँ दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आधार नंबर दे दे रहे हैं। यहाँ देखिए नीचे स्लाइड करते तो यहाँ लिख रहा है जैसे किए तो पेमेंट डिटेल फाउंड, पैन कार्ड पेमेंट मांग रहा है दोस्तों, तो यहाँ पेमेंट करना होगा। चलिए कंटिन्यू टू पे यहाँ पे हम कर देते हैं। जैसे किए दोस्तों तो यहाँ पेमेंट का मांगने लगा। यहाँ साफ देख लीजिए, पढ़ सकते हैं आप, 1,000 लग जाएगा। यहाँ फिर से मांग रहा पैन कार्ड, कन्फर्म पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, तो चलिए दोस्तों फिर दे देते हैं पैन कार्ड, कन्फर्म पैन कार्ड और मोबाइल नंबर। चलिए जल्दी जल्दी से भी दे देते हैं। यहाँ नीचे में मोबाइल नंबर है दोस्तों, तो मोबाइल नंबर लिख दे रहे हैं और नीचे कंटिन्यू को प्रेस करेंगे यहाँ मोबाइल नंबर लिख के। तो चलिए देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा अच्छा तरह से कि सब सही होना चाहिए। मैं कंटिन्यू प्रेस किया तो यहाँ OTP मांग रहा है, OTP को लिखेंगे। OTP लिख के यहाँ कंटिन्यू प्रेस करेंगे, तो कंटिन्यू प्रेस कर देते हैं। यू हैव सक्सेसफुली, मैंने OTP सही है दोस्तों, यहाँ नाम दिखा दे रहा। अगर नाम सही है तभी कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे, नाम गलत है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ कंटिन्यू कर दिए दोस्तों। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलर असिस्टेंट, बहुत सारे दोस्तों फी अदर पेमेंट। तो हम सबसे पहले जाएंगे इनकम टैक्स, यहाँ पे प्रोसीड करना दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन एडवांस टैक्स 100 इनकम टैक्स, इसमें ही हमको क्लिक करना है। प्रोसीड किए, यहाँ पे सन बहुत दिखा रहे दोस्तों, तो असेसमेंट यह रहे दोस्तों जो चलने वाला है, याद रखिएगा दोस्तों पीछे वाला नहीं चलेगा। अगर 24 में तो 24-25, अगर 25 में करो तो 25-26, ये ध्यान दीजिएगा कि पिछला साल को सिलेक्ट नहीं करना, आगे वाला साल को करना है। जैसे असेसमेंट ईयर होता है दोस्तों आगे वाला साल, यानी 24 है मेरा भी, तो 24-25 हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ 23-24 बिल्कुल नहीं सेलेक्ट करिएगा, पिछला साल नहीं करिएगा दोस्तों। असेसमेंट ईयर हमेशा आगे वाला साल होता है। यहाँ पर है टाइप ऑफ पेमेंट माइनर है, तो यहाँ स्लिप करिएगा अदर और नीचे में है दोस्तों सब टाइप ऑफ पेमेंट, फी फॉर डिले पैन कार्ड टू आधार कार्ड। सबसे पहला है दोस्तों फी फॉर डिले पैन कार्ड टू आधार कार्ड, फिर कंटिन्यू प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए न्यू पेमेंट का आ गया है दोस्तों, और यहाँ पे नीचे में देखिएगा 1,000 रुपया आना ज़रूरी है दोस्तों, नीचे सबसे 1,000 है, तो कंटिन्यू प्रेस कीजिएगा। चलिए यहाँ 1,000 दिखा रहा है, तो
यहाँ हम कंटिन्यू प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे आ गया है दोस्तों, किसके द्वारा आप पेमेंट करेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे फोर काउंटर, RTGS। तो UPI लास्ट में दोस्तों सबसे आसान UPI है। UPI कर रहे तो वो सबका नहीं देख रहा दोस्तों, बहुत कम का है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मुझे PNB से करना तो मैं स्टेट कर रहा हूँ, कोई सिलेक्ट करके आप किसी से भी UPI कर सकते हैं। ये नहीं सोचिएगा कि मेरा PNB तो यहाँ शो नहीं कर रहा, जिसे मैं अभी भी बता दे रहा हूँ मेरा PNB है, UPI में कहीं भी PNB शो नहीं कर रहा, देखिए कहीं PNB नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, फिर पे नाउ करते हैं दोस्तों। आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन सबमिट टू बैंक। देखिए फिर बोले कि हम SBI सेलेक्ट करके किए थे, तो मेरा यहाँ पे देखिए UPI आ गया दोस्तों, जबकि मेरा PNB है, आपको मैं आगे ही बता दे रहा, तो हड़बड़ा नहीं जाइए PNB का कैसे करेंगे। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बोल रहा है कि अपना QR कोड से करना चाहते हैं, QR से कोड से करिए दोस्तों, या दोस्तों यहाँ पे UPI ID लिख के भी कर सकते हैं। सबसे पहले BPA मतलब UPI ID लिखना है, तो यहाँ करके कंटिन्यू करके मैंने पेड कर दिया। सेफ्टी के रीजन से आपको नहीं दिखाया दोस्तों, यहाँ सक्सेसफुल हो चुका है। देखिए यहाँ पे इस तरह का चलान आएगा आपको। अब चलिए दोस्तों फिर से, अभी भी पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, बहुत कोई लोग यहीं रुक जाते हैं। चलिए आधार हम उसी तरह फिर से शुरू करते हैं दोस्तों। पेन आधार लिंक उसे ओपन किया, होम पेज में आया लिंक आधार, ये दोस्तों दम जैसे शुरू में किया था दम सेम उसी तरह करना है। तो लिंक आधार ओपन कर दिया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे फिर से हम पेन कार्ड और आधार कार्ड को लिख के दोस्तों अभी प्रोसेस पूरा करेंगे। यहाँ पैसा मांग रहा था इसलिए मैंने पूरा नहीं किए कर पाया था, अगला बार सिर्फ पेमेंट किए हैं अभी दोस्तों, बहुत कोई यहीं करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ मैंने पेन कार्ड आधार कार्ड नंबर दोनों डाल के वैलिडेट करना है, तो वैलिडेट करेंगे दोस्तों। चलिए वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। अभी भी दोस्तों जो पेमेंट किए नहीं शो कर रहा, तो अब एक दिन बाद दोस्तों मैंने फिर से ट्राई किया, जैसे ट्राई किया तो यहाँ पे दिखा रहा दोस्तों कि आपका पेमेंट हो चुका है एक दिन बाद दोस्तों, ये बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे नाम लिखने दे रहा, तो चलिए नाम लिखते हैं। अब फिर मोबाइल नंबर दे रहा दोस्तों, तो यहाँ मोबाइल नंबर लिख देंगे दोस्तों। जो मैंने ये किया है दोस्तों एक दिन तक मेरा शो ही नहीं किया पेमेंट, तो पेमेंट दोबारा मत कर दीजिएगा, याद रखिएगा, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। मेरा एक दिन लग गया दोस्तों, वो शो कर रहा था एक दिन बाद आया, हो सके आपको ज़्यादा दिन लग जाए, ये नहीं कि एक दिन। चलिए लिंक आधार अब फिर करते, आई हैव टू ओनली हियर डेट ऑफ बर्थ कार्ड, दोनों में क्लिक कर देंगे दोस्तों। नीचे में चेकबॉक्स दो वो है, दोनों चेकबॉक्स में क्लिक करके लिंक टू आधार कर देते हैं, यहाँ क्लिक कर देते हैं दोस्तों। फिर से एक OTP मांग रहा है दोस्तों, तो यहाँ OTP दे देंगे। OTP आने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, कभी कभी तो 5-5 मिनट 7-7 मिनट, तो यहाँ भी वेट किए दोस्तों, और यहाँ OTP आ गया। यहाँ कैसे वैलिडेट किए, तो ये और आधार लिंकेड रिक्वेस्ट हैड बीन सेंड वैलिडेट, तो यहाँ पे आधार से लिंक हो गया है दोस्तों। इस तरह दोस्तों आप वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।